हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे हम देख रहे हैं डायोड चेकिंग के बारे में। आज इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डायोड कैसा दिखाई देता है और क्या वर्क करता है। इस टॉपिक पे हम देख रहे हैं डायोड चेक कैसे करना। तो डायोड चेक करने के लिए हमें एनालॉग मल्टीमीटर यूज करेंगे। तो चलो इसे हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे चेक करना। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डायोड चेक कैसे करना। अभी डायोड चेक करने के लिए सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था डायोड वर्क क्या करता है। डायोड लाइन को वन वे करने का काम करता है। ये रेक्टिफायर डायोड है, ये सिंगल डायोड, इसको हम सिंपल डायोड भी बोलते हैं। ये सिंपल डायोड लाइन को वन वे करने का काम करता है, यानी एक तरफ से करंट इसमें पास हो सकती है बट दूसरे तरफ से करंट पास नहीं हो सकती। तो इसी चीज को हमें याद रखना है कि डायोड का वर्क है कि एक ही तरफ लाइन को पास करना। अभी हमारे मीटर में एक बीप सेटिंग जो है, बीप सेटिंग, इसको हमने X1 सेटिंग पे रखा है मीटर को। आप देख सकते हैं ये X1 सेटिंग पे है मीटर को। आप X1 सेटिंग पे रखेंगे इसको चेक करने के लिए। अभी हम मीटर पहले टेस्ट कर लेते हैं। ये जीरो पे जा रहा है, ये बराबर वर्क कर रहा है। आप हमेशा ये चेक कर ले कि आपका जो सुई है वो जीरो पे जाना चाहिए। इसमें कंटिन्यूटी की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो हमने देखा इसे कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखना है जो X1 की सेटिंग है। X1 पे इस पे बीप बजर सेटिंग भी दिया हुआ है, कंटिन्यूटी पॉइंट दी हुई है। अभी आप ये हमेशा याद रखें, जैसे अभी कोई एक वायर है, इसे जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लगाता हूं तो उसमें कंटिन्यूटी आती है। जैसे ये मेरे पास एक मदरबोर्ड है, इसमें साइड साइड में जो गोल्डन लाइन दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं ग्राउंड। तो ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, इसलिए मैं इस पे कनेक्ट कर रहा हूं तो उस पे कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई दे रही है। ये कंटिन्यूटी आवाज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि ये एक ही लाइन है। अभी हमें डायोड, हमें पता है डायोड जो रहता है, डायोड वन साइड करंट को पास करता है, दूसरे साइड को करंट को स्टॉप कर देता है। तो इसमें एक साइड तो कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई देगी और सुई जीरो पे जाएगी, दूसरे साइड में ये कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, दूसरे साइड में इसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए और सुई मूव नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों साइड सुई मूव होती है तो हमारा डायोड शॉर्ट है, अगर सिंगल साइड सुई मूव होती है तो इसका मतलब ये बराबर वर्क कर रहा है। तो इसे आप हमेशा याद रखें, इस पे सिंगल साइड, क्योंकि ये वन वे लाइन को वन वे करने का काम करता है, एक ही तरफ इसमें लाइन पास होती है, इसलिए इसमें क्या होगा, सिंगल साइड सुई मूव होगी, यानी ये सुई सिंगल साइड जीरो पे जाएगी और कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई देगी। बट प्रोब चेंज करने पे इसमें कोई भी रीडिंग्स नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी सुई मूव नहीं होनी चाहिए और कंटिन्यूटी की आवाज भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। उस कंडीशन में हमारा डायोड ओके है, बराबर है। अगर दोनों साइड सुई मूव हो रही है इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट हो चुका है। अगर दोनों साइड सुई मूव नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हमारा डायोड ओपन हो चुका है। तो इसे हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे चेक करना है। अभी यहां पे एक डायोड लगा हुआ है, अभी डायोड को मैं एक पॉइंट यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं। इस कंडीशन में मल्टीमीटर में सुई बिल्कुल मूव नहीं हुई है, ना सुई मूव हुई है ना कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई दे रही है। अब मैं प्रोब चेंज करता हूं, इस कंडीशन में बजर की आवाज भी सुनाई दे रही है और सुई मूव भी हुआ। आप देख सकते हैं इसमें बजर की आवाज भी सुनाई दे रही है और सुई मूव भी हुआ। आप देख रहे हैं इसमें वन साइड बीप की साउंड आ रहा है, वन साइड बीप साउंड आ रहा है और सुई मूव हो रही है, बट दूसरे साइड लगाने पे सुई बिल्कुल मूव नहीं हो रही है। इस कंडीशन में ये हमारा डायोड ओके है। अगर दोनों साइड, बोथ साइड अगर सुई मूव हो और कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई दे, उस कंडीशन में हमारा डायोड शॉर्ट है। अगर दोनों साइड सुई मूव नहीं हो रही है, दोनों साइड कंटिन्यूटी की आवाज नहीं आ रही है, उस कंडीशन में हमारा डायोड ओपन हो चुका है। तो
इस वीडियो में हमने देखा कि डायोड, सिंपल डायोड कैसे चेक करना है। सिंपल डायोड चेक करने के लिए सिंपल डायोड को हम शॉर्ट या ओपन के लिए चेक कर रहे थे।